कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ई सेक्टर ई में बनने वाले जो मेन रोड पे 5 मरला के विलास हैं उनकी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है एज ऑफ टुडे 2023। अच्छा जी, ये मैं मेन रोड पे हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो पहली चीज़ आपको देखने को विजिबिलिटी मिलती है वो ये मेन रोड है, और मेन रोड पे आपकी फेंसिंग है, यानी कि मेन रोड का कोई बंदा गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। और उसके ऑपोजिट साइड पे ओवरसीज़ ईस्ट आर्मी पार्क ब्लॉक है, जिसकी आपको लोकेशन नज़र आ रही है कि इसके विलास के साथ तक कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। विला अपार्टमेंट मोस्टली जितने भी हैं सब के ना करते हुए तकरीबन 30 से 40 ऐसे हैं जिनकी डबल स्टोरी रेडी हो गई है, बट इसकी हम बाद में वीडियो बना लेंगे। अच्छा जी, ये आ जाते हैं जी जॉर्जियन स्टाइल के विलास पे, जो इसमें ओवरसीज़ ईस्ट में सेक्टर ई में बन रहे हैं मेन रोड के ऊपर। मैंने पहले वीडियो जॉर्जियन स्टाइल की एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बनाई थी, तो मुझे मेरे हाल में इंटीरियर की ज़रूरत नहीं है कि इंटीरियर में कैसा है, वो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वाली वीडियो। तो इंटीरियर तमाम का सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी, सेम इंस्टॉलेशन होंगी। किचन में जो चीज़ नैस गैस की लगी हुई है वो भी नैस गैस की होगी, जो वॉशरूम में सैनिटरीज हैं वो पोर्टा की हैं या भी पोर्टा की होंगी, तमाम चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक जो डिफरेंस देखने को यहाँ मिलता है बाकी कंपेरिजन टू एग्जीक्यूटिव के, इस रेस में एग्जीक्यूटिव ओवरसीज ईस्ट से जीत गया है कि वहाँ के जो 5 मरला के विलाज हैं वो फाइनल पोजीशन की फॉर्म में आ गए हैं। इवन के वहाँ पे जो स्ट्रीट बोर्ड्स हैं वो भी बाहर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इधर ओवरसीज ईस्ट हार गया है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ के जो 5 मरला के विलाज हैं वो अभी तक सारे मोस्टली जो है ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही हैं, किसी में ऐसा काम मुकम्मल नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि टाइम तो लगेगा इसमें, एटलीस्ट 6-7 माह और लगेंगे, और अनटिल अनलेस सोसाइटी कोई बहुत स्पीड से काम शुरू नहीं करती यहाँ पे तो टाइम तो लगेगा। यहाँ पे ये सारे जॉर्जियन स्टाइल के हैं मेन पे, और मेन की बैक भी सारी जॉर्जियन की है, लेफ्ट साइड पे भी सारे ये वाले जॉर्जियन स्टाइल के ही हैं जो बन रहे हैं। चले मैं स्ट्रीट के अंदर जाता हूँ, फिर बाद में मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। यह आप आके जी लेन 1 बनती है, कौन सी लेन बनती है मुझे भी सुबह नहीं याद नहीं है, मैं पे देख लूँगा, बल्कि मुझे इसमें डाल देगा कौन सी लेन बनती है। अच्छा जी, ये बैक आ गई, बैक पे भी सारे विलास जो हैं वो मेरे ख्याल में बीच में 3 से 4 विलास पे तो काम भी शुरू नहीं हुआ, वो कोने पे कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर के साथ वाला बना हुआ है, बीच में 4-5 विलास मिसिंग है, फिर आके ये वाली साइड शुरू होती है। ये मेन की बैक वाले हैं विलास ना, और इस तरफ वाले जो हैं ये सबसे रेडी हैं, ये देख लें सारों के ना प्लस्तर का काम मुकम्मल हो गया है। इवन कि ये जो पहला वाला है ये वाला विला, इसकी आप देख लें कि प्रॉपर आपको फिजिकल फॉर्म में जो पेंट है वो भी लग गए हैं, बिजली का काम हो गया है, ये तारें आपको नज़र आ रही हैं, चितीरों का काम हो गया है, उसमें तो ऊपर सीलिंग का काम हो रहा है ऊपर वाले में। चलें दोबारा चलते हैं मेन रोड पे और देखते हैं वहाँ पे क्या स्टेटस है। मैंने लास्ट टाइम जो कनाल की वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे मेंबर्स ने कहा था कि सेक्टर ई की वीडियो बनाऊं, तो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से मौसम आपको पता है काफ़ी फॉगी था, तो एरियल फुटेज तो टीम नहीं बना सकती थी, लेकिन हाँ कि ग्राउंड की मैं साइट पर आया था तो आई थॉट के अपडेट वीडियो बना ही लें। ये सब क्या है डेवलपमेंट का स्टेटस। चलें जी आगे चलते हैं मेन रोड पे, ये सर्विस रोड है बेसिकली, इसके साथ ना ये आपको 180 फुट का रोड मिल जाता है मेन रोड, और ये रोड से काफ़ी ऊंचे जगह पे है। ये देखें ये मेन रोड है और इस तरफ सारा आपका ई ब्लॉक आ जाता है। अच्छा जी, आगे जो ये वाला है मेडिटेरेनियन स्टाइल। अच्छा, 5 मरले में मेडिटेरेनियन स्टाइल बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये विंडोज़ देखें, ये 5 मरला घर में ट्रिपल एटलीस्ट 20 फीट की विंडोज़ हैं, 3 विंडोज़ हैं, 1, 2, 3। ये मेन रोड के साथ खाली स्पेस है आपके फ्रंट की, जहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल होंगी तो रैंप बन जाएगा,
फिर पीछे आपका गैराज आता है, गैराज के पीछे फिर आके वही इंटीरियर सबका सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर जो है इसका वो 5 मरले में जॉर्जियन का बहुत अच्छा है और साथ इसका भी बहुत अच्छा है मेडिटेरेनियन का। वो आ गया जी आपका डी ब्लॉक के विलास। ये डी ब्लॉक की मैं बैक साइड पे हूँ, मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट विजिट में डी ब्लॉक के इंटरनल वीडियोज़ हैं मैं वो भी बना लूँगा इंशाल्लाह। सो वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिवान जी माँ को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।